वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करौंदे का अचार बनाना सीखेंगे। करौंदे का अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। करौंदे का अचार हमने मिर्च के साथ बनाया है, आप चाहे तो सिर्फ करौंदे के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो करौंदा ले लिया है और सभी करौंदों को हम दो दो पार्ट में कट कर लेंगे। ये करौंदे आपको बरसात के सीज़न में ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। अब इन सब करौंदों को हमने कट कर लिया है, अब इसके दाने निकाल देंगे। जो करौंदा हमने लिया है वो कड़वे नहीं है, इसलिए यदि दाने रह भी जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती, बट आप एक करौंदा खा के देखें, यदि दाने कड़वे हैं तो आप अच्छी तरह से दाने साफ़ कर लें। सभी करौंदों के दाने निकल गए हैं, अब हम इस पर मिर्च डालने के लिए मिर्च के आगे के भाग को अलग कर देंगे, इस प्रकार से जैसे हम लोग कर रहे हैं। मिर्च यहाँ पे हमने एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप अपने हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो आप मिर्च यहाँ पे नहीं भी डालें, करौंदे का अचार ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इन सभी मिर्च को कट कर लेंगे। मिर्च और करौंदे को कट करने के बाद हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम अचार में डालने के लिए मसाले भून लेंगे। तो ये धनिया यहाँ पे हमने लिया है, खड़ी धनिया है, इसे हमने आधा किलो लिया है। ध्यान रहे हमें धनिया को भूनकर ही यूज करना है, इससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से पीस लेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल सा करौंदे का अचार बनाया, इसमें ज़्यादा मसालों का यूज हमने नहीं किया, सिर्फ धनिया और राई के दानों का यूज किया है। इस प्रकार से हल्का दरदरा पाउडर हमें पीस लेना है। अब हमने राई को भी पीस लेना है, राई को हमें भुनना नहीं, इसे हमें कच्ची है, इसे पीस लेना है। काली राई का हमने यहाँ पर यूज किया है, इस प्रकार से हमने राई को भी पीस लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी जगह दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और हमें हींग डाल लेना है, यहाँ पे हमने आधी चम्मच हींग डाला है और स्वादानुसार नमक। अचार में नमक ज़्यादा ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक पाव तक नमक यूज किया है। और हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, इससे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इन सबको हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम अचार में डालने के लिए लहसुन को पीस लेंगे। लहसुन यहाँ पर हमने आधा पाव लिया है, इसे अच्छी तरह से छीलकर अब हमें इन्हें पीस लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लहसुन पीसें ही, आप इसे खलबट्टे की हेल्प से कूट भी सकते हैं। इस प्रकार से हल्का दरदरा हमें पेस्ट बनाना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें नहीं बनाना है। अब लहसुन को भी हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने ऐसे ही कलछी की हेल्प से इसे मिक्स किया है, बाद में अच्छी तरह से इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अब हम गैस में एक पैन ले लेंगे, उस पर सरसों का तेल डाल देंगे और मिर्च को फ्राई करेंगे। हम यहाँ पर मिर्च को फ्राई करके अचार में डालेंगे, आप चाहे तो बगैर फ्राई करे भी मिर्च को डाल सकते हैं। पाँच से छः मिनट हमें मिर्च को पकाना है। मिर्च पकाते समय थोड़ा ध्यान रखें, इससे खांसी भी आती है, तो इसे आप खुली जगह पर भी फ्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हमें मिर्च को उतार लेना है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इन सभी मसालों को एक साथ रख लेंगे और एक बड़े बर्तन में मिलाएंगे। यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इनमें सभी चीज़ों को मिलाया जाएगा। अब हम सबसे पहले धनिया और राई की इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इस पर नमक, हल्दी और लहसुन मिलाया अच्छी तरह सभी जगह मिल जाए। यहाँ पर हमने आधा किलो और उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेल का यूज किया है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार तेल का यूज करें। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें ताकि अचार ज़्यादा दिन तक जल सके, यदि तेल कम होगा तो अचार के खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार सभी मसालों को मिक्स करते हुए हमें तेल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। अब हम इस पर करौंदों को और
मिर्च को मिक्स करेंगे। करौंदे का देखिए कलर चेंज हो गया क्योंकि इसे हमने 2 से 4 घंटे के लिए अलग से रख दिया था ताकि इसकी मॉइस्चर थोड़ा ख़त्म हो जाए। अब हम इस पर मिर्च डाल देंगे जो हमने तला था और इसे हम कलछी के हेल्प से मिलाएंगे ताकि मिर्च हमारे हाथ में ना लगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से हम करौंदे और मिर्च के साथ मिक्स करेंगे ताकि सभी जगह सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही साथ ये बनाने में भी बहुत ही इजी रहता है और इस पर ज़्यादा मसाले का भी यूज नहीं किया गया है। मसाले यूज किए गए हैं वो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे या फिर मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। थैंक यू।